the int count execute object. So if आप जो count define कर रहे हो अगर greater than zero रहता है तो आपको ये message show करेगा. ये क्या message देगा? J option pair dot so so message dialog is data saved successful. Data saved successful. Or else. Or else. Data not saved. इसको रन करके देखो क्या आता है. एस ई 001 असिस E002 and so तो देखो ये डाटा कहां पर जाकर स्टोर होता है, मेरे डेटाबेस में स्टोर होता है कि नहीं. एम्प्लॉय के अंदर जाओ, यहां पर व्यू डाटा में देखो, देखो स्टोर हुआ. असिस यस सर. तो ये आपका हो गया इंसर्टिंग, इंसर्टिंग कमांड हो गया. और यहां पर देखिए जो डेटा दे रहे हो अब जो डेटा दे रहे हो इसको रिफ्रेश करने के लिए, मतलब जो डाटा है उसको मैन्युअली आपको रिमूव करके आपको कोडिंग लिखना पड़ रहा है और डाटा देना पड़ रहा है. तो इसलिए यहां पर और एक बटन हमने यहां पर यूज करके इसमें लिखेंगे रीसेट. रीसेट रिसेट के अंदर क्या लिखना है, राइट क्लिक इवेंट एक्शन एक्शन परफॉर्म. यहां पर रिसेट के अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल्स टू t1 डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट ब्लैंक. नहीं स्ट्रिंग नहीं रिपन करना है, सिर्फ पास करना है t1 डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक, t2 डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक, डिफाइन करने पर क्या होगा, यहां पर जो भी वैल्यू दोगे A003 सपोज जिसमिता फिर सपोज ओडिशा इंसर्ट किया, फिर इस डाटा को रिमूव करने के लिए यहां पर
रिसेट यूज करने से सारा चला गया। ओके ये हो गया आपका इंसर्टिंग का कमांड। कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। और ये हो गया आपका रिसेट कमांड। ये प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट क्लास में अपडेट और डिलीट ये सारा चीज पढ़ाएंगे। ओके सर।